जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ऑफ ओम्स लॉ, हाँ, कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/R ही होता है, ठीक है। कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/रेसिस्टेंस सब देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल हम लोगों को प्रूफ देखना है ओम्स लॉ का, ठीक है। देखो आपने अभी देखा था, वी नो दैट किसी भी कंडक्टर के लिए आपने क्या देखा कि I इक्वल्स टू NeaVd, राइट। जब भी किसी में आप करंट फ्लो करवाओगे तो करंट फ्लो करवाओगे तो I इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने वहां पे देखा था, आप प्रूफ भी किया अभी जस्ट कि I इज इक्वल टू एन ई ए और वी डी, प्रूफ किया था, राइट, एन ई ए वी डी, ठीक है। अभी एन ई ए वी डी प्रूफ किया था, आप याद करो लास्ट क्लास में उसके पहले वी डी की वैल्यू प्रूफ करवाई थी, VD की वैल्यू निकलवाई थी मॉड में, बताएंगे ये कितना था VD का वैल्यू, आप ही लोग बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू निकलवाया था, कितना था ये लास्ट क्लास में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू निकलवाया था जिन लोगों ने जाके चेक किया होगा उनको दिखा होगा कि एच सी वर्मा में ई टाउ बाई टू एम है, ठीक है। तो बट हमें क्या लेना है, हमें तो ई टाउ बाई एम लेना है, राइट। तो यहाँ पे ई टाउ बाई एम है, ठीक है। तो ये VD की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो बाई, और यहाँ पे आप चाहो तो ये फिगर विगर जो लास्ट वाला फिगर बनाया था प्रूफ के टाइम, आप वो भी कर सकते हो, प्रूफ में ये फिगर भी बना सकते हो, ठीक है, जो पुराना फिगर था। देखो एन ई ए वी डी की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो वी डी की वैल्यू यानी कि ई कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा कैपिटल ई इज व्हाट, कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाई यहां पे क्या एम, ये आ गया, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और यहां पे ए और इनटू ई, ठीक है। चलो अभी देखो, मान लो यहां हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, राइट, तो बैटरी का वोल्टेज क्या है, वी है, और कंडक्टर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वी है। यहां पे हमने इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है वो ई है, और थोड़ा सा और याद कीजिए कि अभी अभी जस्ट पिछले वाले क्लास में इसका लेंथ हमने एल लिया था, राइट, और इसके पहले वाले चैप्टर में याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, हमने लिया था ना माइनस डीवी बाई डी आर, ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये सबको याद होना चाहिए, ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉड लेंगे, तो अगर मॉड ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डीवी बाई डी आर, राइट, ये आपका यहां पे वेक्टर फॉर्म में होता था, तो ये हो जाएगा डीवी बाई डी आर, ठीक है। और डीवी बाई डी आर का क्या मतलब, चेंज इन वोल्टेज, तो चेंज वोल्टेज जो है वो तो वी लिया ना,
और चेन इन लेंथ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा देखो, क्योंकि दोनों के बीच का लेंथ, दोनों एंड के बीच का लेंथ वी बाई एल है। वी इज क्या, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, जो ई की वैल्यू है वो मैं पुट कर दे रहा हूँ। ई की वैल्यू कितनी पुट होगी, वी बाई एल, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाउ एन स्क्वायर टाउ, ठीक है, बाई एम। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टाउ इज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। नाउ ए तो ए रहेगा, ई का आ गया वी बाई एल। अब देखो हमें तो वी से स्टार्ट करना है ना, कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दो। आप थोड़ा सा इसको अरेंज करोगे, देखो तो वी इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे ध्यान से देखिएगा, एम बाई एन ई स्क्वायर, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, इनटू ये एल जो नीचे है वो एल तो ऊपर चला जाएगा, बाई ए जो ऊपर है वो ए नीचे आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका आई, ठीक है। अब देखो, दिस कैन बी रिटन एज वी इज इक्वल्स टू आर आई, लिख सकते हैं। आर की वैल्यू क्या, आर की वैल्यू इज एम बाई एन स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो यहां से हमने अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई वी इक्वल्स टू आर आई होता है, और आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू इज, या नीचे ही लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, आर इज रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई एम बाई एन स्क्वायर टाउ एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। अब आपने 10th क्लास में पढ़ रखा था भाई कि आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए, याद करो। आर इक्वल्स टू क्या, रो एल बाई ए, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो रो की वैल्यू भी निकल गई साथ में, यहां देखो एक तीर से कितने निशाने लगे, ओम्स लॉ भी प्रूफ हो गया, रेसिस्टेंस का भी वैल्यू आ गया कि आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, और रो का भी वैल्यू आ गया, एक तीर से तीन निशाने। सबसे पहला प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, दूसरा रेसिस्टेंस का वैल्यू, तीसरा प्रूफ ऑफ रेसिस्टेंस कि आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। रो की वैल्यू कितनी होती है, रो की वैल्यू है एम बाई एन स्क्वायर टाउ, एम बाई एन स्क्वायर ठीक है। तो क्या ये सबको क्लियर हुआ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ सबको क्लियर हुआ? प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ में हम लोग सिर्फ यहीं तक लिखेंगे, ठीक है, बट ये लिख दोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है हमें फिर भी। चलिए ठीक है, तो हमने अभी ओम्स लॉ देख लिया, ओम्स लॉ का प्रूफ देख लिया, अब हम लोग आते हैं रेसिस्टेंस पे, ठीक है, रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस खत्म करके फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। देखिए रेसिस्टेंस पे आएंगे, रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई, रिप्रेजेंट आर से करते हैं, और जो जनरल डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका नाम ही आप जानते हो, हिंदी में अगर आप नाम इसको करोगे तो प्रतिरोधक बोलते हैं, ठीक है। प्रतिरोधक का काम क्या होता है, करंट का प्रतिरोध करना यानी विरोध करना, ठीक है। तो अपोजिशन, द अपोजिशन ऑफर्ड बाई, अपोजिशन आपका वही हो गया प्रतिरोध करना, ठीक है।
opposition offered by any conductor to the flow of current is known as resistance. ठीक है, ये था आपका सिंपल लैंग्वेज में जो आपका डेफिनेशन होता है वो. मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे. मैथमेटिकल डेफिनेशन आप कैसे देखेंगे उस पर भी आते हैं. देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन आपने देखा कि R इक्वल्स टू V इक्वल्स टू आई आर. अभी आपने देखा कि ओम्स लॉ से आपने क्या देखा कि V इज इक्वल्स टू आई आर आया हमारे पास ओम्स लॉ से, राइट. तो आप यहां से एक चीज लिख सकते हो ना कि R इज इक्वल्स टू व्हाट, R इज इक्वल्स टू V बाई आई. तो मैथमेटिकल डिफिनेशन हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे देखिए. मैथमेटिकली रेसिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज, मैथमेटिकली resistance can be defined as ratio of potential difference across the conductor to the current flowing through the resistance. ठीक है, through the conductor, current flowing through the conductor. अब जब भी definition लिखने को आएगा और आपके पास time है तो आप दोनों डेफिनेशन लिख देना ताकि आपका मार्क्स कटने के चांसेस ना हो. बाकी डेफिनेशन आपका दोनों करेक्ट है. ठीक है, क्या सबको क्लियर हुआ दोनों डेफिनेशन? अभी खत्म कर देंगे इसे नंदन, बस 5 मिनट और चलेगा क्लास. इसके बाद रेसिस्टेंस खत्म करके हम लोग खत्म कर लेंगे. ठीक है, बोलिए रोशन, हैंड रेस किया आपने, कोई डाउट है? चलो अब रेसिस्टेंस का यहाँ पे जो यूनिट होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज आप फिर से ध्यान रखना. रेसिस्टेंस भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है. ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. और दूसरा क्या यूनिट देखना है? एसआई यूनिट जो होता है ओम होता है, मालूम ही है सबको एसआई यूनिट. ओम लिखते हैं मगर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आएगा इसमें नेक्स्ट देखो ओम आ गया. इसके बाद कभी कभी पूछता है कि डिफाइन वन ओम. सिंगल वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन वन ओम. तो कैसे डिफाइन करेंगे ये चीज देखिए. आपको डिफाइन कैसे करना है ये चीज ध्यान से देखिए. R इक्वल्स टू क्या होता है? V बाय I, राइट. तो मैं क्या कर रहा हूं, V की वैल्यू पुट करूंगा 1 यूनिट. तो आप यहां पे V की वैल्यू पुट कर दो 1 वोल्ट. ठीक है, और करंट की वैल्यू पुट कर दो 1 एम्पियर. I इज इक्वल टू व्हाट? 1 एम्पियर. तो देखो, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट
बाई 1 एम्पियर, राइट, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, यानी कितना हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ओम, इसी को बोलेंगे 1 ओम। तो अब कैसे डिफाइन करेंगे 1 ओम को, तो देखिए, when potential difference across two ends of conductor, when potential difference across two ends of conductor is 1 volt and current flowing through it, current flowing through it is 1 ampere, then resistance offered by conductor is said to be 1 ohm। क्या डेफिनेशन लिखने का तरीका सबको क्लियर हुआ? बताइए, डेफिनेशन लिखने का तरीका सबको क्लियर हुआ कि कैसे 1 ओम को डिफाइन करना है? कभी कभार 1 मार्क्स का पूछता है, ठीक है? चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ भी लगता है मौसम खराब हो रहा है, तो हो सकता है नेट का प्रॉब्लम इश्यू हो, ठीक है? तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और बोर्ड्स में आज अभी शेयर कर, अभी कोशिश करूंगा अभी या फिर थोड़ी देर बाद आपका शेयर कर दूंगा, ठीक है? आज हम लोग इतना ही रखते हैं।